हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इन अदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कॉलम रेनफोर्समेंट के बारे में एंड सेकंड इज इसकी डायमेंशन। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमारा जो कॉलम का जो साइज है 12x18 का है। ये इसलिए डायमेंशन नहीं दिया क्योंकि ये आउटर फेस है, ये आउटर वाला है, ठीक है। उधर भी आउटर हो जाता है, इधर आउटर, इधर ये खाली जगह है, इधर स्पेस रोड स्पेस है, रोड साइड है। तो इसलिए कॉलम को जो डायमेंशन हमने दे दिया है इसके अंदर 12x18 इंची को दे दिया है। और इसकी जो अंदर जो कोई भी लोकेशन देना चाहते हैं, पार्टीशन इसके अंदर देना चाहते हैं, तो वो पार्टीशन आपके आएंगे बीम के ऊपर। जैसे कि हम इसमें लटक बीम दे देंगे स्लैब के अंदर, स्लैब में जो लटक बीम दे देते हैं, मैंने लटक बीम के बारे में बता दिया है। तो ये 9x18 का इसका जो रेनफोर्समेंट हमने इसके अंदर दिया है लोड स्ट्रक्चर के लिए, लटक बीम दे देंगे। उसके बाद ये जो हमें पार्टीशन देना है रूम के लिए, बेडरूम के लिए, बाथरूम के लिए, तो इसमें अंदर हम दे सकते हैं। जो फ्लोरिंग करेंगे वो हम करेंगे इसके अंदर RCC फ्लोरिंग। इसका जो पर्पज़ है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रोड लेवल से ये 3 फीट 4 फीट मिनिमम ऊंचा है, 4 फीट ये मिनिमम ऊंचा है। तो इस बेस पे हमें इसकी जो सॉइल होती है 4 फीट तक गहराई होती है, तो फ्यूचर में उसके अंदर बैठने के चांसेस रहते हैं, भले इसको कितना भी कॉम्पैक्ट कर लें, ठीक है। भले हम इसको कितना भी कॉम्पैक्ट कर लें, तो इसमें RCC फ्लोरिंग करेंगे मिनिमम 4 इंची की, PCC प्लस 4 इंची की RCC फ्लोरिंग, ठीक है। तो सेकंड इज आपका ये कॉलम का जो साइज़ है 12x18 इंची का है। रेनफोर्समेंट इसमें क्या गिवन है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है 4 20mm के, 1 2 3 4, तो 20mm के 4 बार दे दिए हैं, और 16mm के 1 2 3 4, 4 बार 16mm के, ठीक है। 4 बार हमारे पास हो गए 16mm के, और 12 के हमारे 4 बार है, 1 2 3, अरे वहाँ पे 4। तो 20 20 के तो जो हमने दे दिया है, ये लोड स्ट्रक्चर दे दिया, जो इसका स्पैन देख रहे हैं हमारे अंदर, जो इसका स्पैन देख रहे हैं 18 फीट रहेगा इसके अंदर, स्पैन जो 18 फीट है, 18 से 20 फीट जो भी स्पैन रहता है, तो इस स्पेस पे हमारा जो और सेकेंड इस पर्पज़ ये है कि यहाँ पे हमने जो कॉलम का जो डिस्टेंस दिया है मिनिमम 10 से 12 फीट इसलिए दिया क्योंकि ये हमारे पास कॉलम का जो स्पैन है कम है, और इधर जो स्पैन रहता है ज़्यादा रहता है। लटक बीम हम देंगे जो पूरा जो स्पैन जो लोड ले ले, जो लटक बीम का जो लोड लेगा पूरे पर ले ले, यहाँ पे पूरे पर जो लोड ले लेगा इस तरह से, ठीक है। जो पूरे पर लोड हमारे पास इस तरह से आएगा, तो हमारे पास पूरे पर आएगा जो लोड आता है इस तरह से, तो हमारे पास जो जो लोकेशन देंगे इस तरफ से डायमेंशन जैसे ही रहे इस तरफ से देंगे, ठीक है, ताकि जो बीम का जो पूरे जो बीम दे रहे हैं हमारी 12x बीम की जो रहेगी 12x12, ठीक है। 12x12 किसकी जो जितनी बीम का जो साइज रहता है वो रख सकते हैं, या फिर 9 इंच ही रख सकते हैं। तो मिनिमम जो हम इसका इसके अंदर जो लटक बीम रखेंगे 9 इंच का रखेंगे जो, ठीक है। तो 9 इंच x12 इंच, 9 इंच की चौड़ाई रहेगी और 12 इंची का डेप्थ, तो वो हम इसके अंदर रखेंगे ऊपर लटक बीम जो स्लैब के अंदर रखेंगे। और लोकेशन आपकी ये रह जाएगी, और जो भी आपके आउटर कॉलम है, जो हमने इसमें आउटर कॉलम दिया है 9x18 इंची के लिए, रेनफोर्समेंट सभी में यही दिया है आउटर वाले कॉलम के अंदर। और जो बीच के अंदर आता है ये वाला जो कॉलम है मिडल कॉलम हो गया, मिडल कॉलम के लिए हमने कॉलम का जो साइज है वो बढ़ा दिया है एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग। तो डायमेंशन जैसे देख पा रहे हैं 9x18 इंची का रहेगा, सॉरी 12x24 इंची का, बिकॉज जो आउटर वाले कॉलम हो गए, इधर से, ठीक है। तो बीच में जो कॉलम होता है, जो लोड बेयरिंग होता है ज़्यादा होता है स्लैब का, बीम का, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो लोड होता है लाइव लोड एंड डेड लोड। डेड लोड होता है आपका सेल्फ वेट ऑफ आपका स्लैब का और कॉलम का, तो सेल्फ लोड हो गया तो वो ज़्यादा होता है मिडल में, तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है बीच में, तो इस वजह से जो कॉलम का रेनफोर्समेंट बढ़ा देते हैं या फिर आपका कॉलम का साइज बढ़ा देते हैं। तो इस पर्पज़ पर हमने कॉलम का जो साइज यहाँ पर बढ़ाया हुआ है, तो इसमें जो रेनफोर्समेंट है हमने जो दिया है यहाँ पे जो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग के बेस पर, चार हमारे जो चार सरिया हैं 20mm के, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी चार सरिया हुए और चार सरिया में रहेंगे 16mm के, 1 2 3 एंड 4, और चार सरिया 12mm के रह देते हैं। तो इस वजह से बेस पे हम जो सरिया का जो रेनफोर्समेंट बढ़ा देते हैं, कॉलम का साइज भी हम इसमें इंक्रीज कर देते हैं। जो स्पेसिंग रहती है एंड जोन क्या होता है आपका, नीचे से मिनिमम जो साइज रखते हैं H by 4 से H by 3 तक जो एंड जोन होता है इसकी स्पेसिंग, ये जो स्पेसिंग है 100mm रहेगी H by 5 तक, ठीक है। उसके बाद जो मिडल जोन आ जाता है आपके बीच में,
तो इस तरह से हम जो कॉलम मिरर में दे देते हैं लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए, तो ये बीच में रहेगा। तो ये सभी जो टोटल फ्रेम स्ट्रक्चर का होता है, फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कॉलम बीम स्लैब होता है, तो इस पर्पज़ पर रखेंगे। तो इसका जो साइज़ रखा है 12 इंची बाई 24 इंची का रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आउटर वाला जो कॉलम होता है, ये वाला आपका कॉलम हो गया, ये हमने इसलिए कॉलम का जो साइज़ है होता है कम इसलिए रखा है बिकॉज इस दूसरे फेस पे हमारे पास पहले से ही घर बना हुआ है या कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस बेस पे हम जो अर्थक्वेक का जो चांसेस होते हैं कम हो जाते हैं। आउटर वाले जो फेस में होते हैं जो लोड होता है सपोर्ट कर लेता है वो आउटर वाली वॉल, तो इसमें कॉलम का जो साइज़ रहता है 12 बाई 12 इंची, ये भी 12 इंची रहेगा एंड ऐसे भी 12 इंची रहेगा। तो ये आउटर वाला कॉलम हो गया, तो इसका जो साइज़ है 12 बाई 18 इंची, 12 इंची ऐसे रहेगा और 18 इंची इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो 12 इंची बाई 18 इंची इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया है वो थोड़ा कम दे दिया है ताकि जो आउटर जो वॉल है फेस है इस तरह से भी लोड स्ट्रक्चर बियरिंग कर लेगा। तो इसमें जो रेनफोर्समेंट दिया है 16 mm के 4 बार दिए हैं 1, 2, 3 एंड 4, और 12 mm के जो रेनफोर्समेंट दिया मैंने 1, 2 एंड 3, चार बार 16 mm के 4 बार 12 के, जो स्ट्रप्स हमने जो इसमें प्रोवाइड करते हैं जो एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग के अकॉर्डिंग 8 mm के स्ट्रप प्रोवाइड हुए हैं। एंड जोन मिले के बारे में बता चुका हूँ, जो एंड जोन होता है आपका क्लियर जो हाइट होती है आपकी प्लिंथ लेवल के टॉप से, और जो आपका प्लिंथ जो लटक बीम होती है आपकी उसके बॉटम से कॉलम की क्लियर हाइट होती है, उसके एंड जोन होता है जो H बाई 4 से H बाई 3 तक। तो H बाई 4 मिनिमम सपोज ये 3 मीटर है, तो 3 मीटर में H बाई 4 करेंगे तो 3 मीटर का जो चौथा पार्ट होता है 75, तो 75 मीटर तक हम उसका ले लेते हैं, ठीक है। 75 जैसे 75 में यहाँ पे हो गया है, तो उसके जो स्पेसिंग होती है 75 हमें लग सकते हैं या फिर 100 मिनिमम स्पेसिंग रखते हैं, ओके। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है शेयर किए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।